जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक द्वारा पेट्रोल और डीजल की बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ अर्ध नग्न साइकिल से पूरे शहर में प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जाप के जिला अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, संचालन विश्वविद्यालय छात्र अध्यक्ष अजीत कुशवाहा ने किया। जन अधिकार पार्टी जिला अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा कि मोदी सरकार जनता को मूर्ख समझती है। आज 20 दिनों से चरणी अठन्नी बढ़ाकर पेट्रोल का दाम 9 रुपया और डीजल में 11 रुपया मूल्य वृद्धि किया गया है, जो पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के बाद लोगों के उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं महंगी हो गई हैं, जो कि आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर के हित में नहीं है। युवा अध्यक्ष रघुपति यादव ने कहा कि सरकार अविलंब पेट्रोल डीजल के उत्पाद शुल्क में कमी करते हुए पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए कीमतों में कमी कर जनता को राहत दे। साथ ही जाप युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बवन ने कहा कि इससे मूल्य वृद्धि को लेकर जब से मोदी सरकार आई है तब से सभी सामानों का दाम 2 गुना से 3 गुना बढ़ा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। डीजल पेट्रोल में बेतहाशा वृद्धि, आज लगातार 20 दिनों से डीजल पर 11 रुपए और पेट्रोल पर 10 रुपए लगातार चरन्नी अठन्नी कर आज ये मोदी सरकार के सरकार में ये दाम बेतहाशा वृद्धि हुआ है, जो आज ये सरकार नाकाम है। पिछले सरकारों में इन्होंने लगातार हमारी मंत्री स्मृति ईरानी चुड़िया भेजती थी पेट्रोल डीजल के खिलाफ, लगातार भाजपा के लोगों ने बार कर रहा था कि आज डबल दाम में आज गैस सिलेंडर की मार हो, आज डीजल पेट्रोल और डीजल की मार हो या सब चीज़ खाद्य पदार्थों पे, आज सब चीज़ डबल दाम हो गया है। कहीं कुछ नहीं, ये मोदी सरकार चरन्नी चोर और ठन्नी चोर है। ये जान लीजिए चरन्नी करते 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 कितना, आज LIC पर भी जाइए तो 1 पैसा 2 पैसा बैंक में 1-2 पैसे का रुपया काट कर आज लोगों को ग्राहकों को बहुत यहाँ पर लूटा है, ठगा है यहाँ पर। हम लोग पूरे भोजपुर जिले के जितने आरा टाउन है, शहर है, पूरे शहर में हम लोग पूरा साइकिल से जुलूस मार्च निकालेंगे और सरकार का विरोध करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे हम लोग कि ये जो है जो खाद्य पदार्थों पर और दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा भाड़ा, और जो भाड़े पर जो चलने वाले बस और गाड़ी है वो ग्राहकों के साथ हर मोड़ और चौक चौराहे पर झंझट हो रहा है पैसेंजर को लेकर कि अब दाम बढ़ा दिए तो नहीं होगा। इस तरीके लगातार हर मोड़ चौक चौराहे पर झंझट और मारपीट हो रहा है। कोई सरकार का नीति और नियत साफ नहीं है कि भाड़ा भी निर्धारित करे, कोई भी चीज़ यहाँ सिस्टम नहीं है, सब सिस्टम इनका फेल्योर है भारत सरकार का। दाम बेतहाशा वृद्धि किया है, हिंदुस्तान में पहली बार है कि पेट्रोल से ज्यादा कीमत डीजल का हो चुका है। यह लॉकडाउन में गरीब मर रहा है और सरकार डीजल पर और पेट्रोल पर दाम बढ़ा रही है। आप जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर तमाम खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ेंगे, उससे तमाम गरीबों का जरूरत का काम है। इसलिए आज अर्ध नग्न प्रदर्शन पूरा आरा शहर के चौक चौराहे पर घूम कर लोगों को जागरूक करेंगे। यह लगातार हम लोग इस सरकार को नाके दम कर देंगे, जब तक सरकार इस बेतहाशा दाम वृद्धि को वापस नहीं लेता है तब तक जन अधिकार पार्टी के इनकलाबी साथी रोड पर उतरे रहेंगे और आम आवाम की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम लोग पूरे भोजपुर जिला में इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव बिहार बचाने के लिए आ गया है और वो चाहते हैं कि यह सरकार जल्द से जल्द वापस जाए और हम सभी मिलकर मुहिम आगे बढ़ा रहे हैं, पप्पू यादव के आह्वान को आगे बढ़ा रहे हैं।